वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइड्स के बारे में। तो वॉइड्स क्या होती हैं इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था, लेकिन फिर से एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। जो वॉइड्स होती है ना, बेसिकली देखो जो क्यूब है ना वो स्फीयर्स से बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एटम्स हैं और एटम्स को हमने क्या अज्यूम किया है कि ये स्फीयर्स की फॉर्म में है। तो एक क्यूब है, ठीक है, हमारे पास, और उस क्यूब में क्या लगे हुए हैं, स्फीयर्स लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो क्यूब का वॉल्यूम है वो पूरा ऑक्यूपाइड नहीं है स्फीयर्स से, जो कि हमने पिछली वीडियो में किया था जिसमें हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी थी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब यही था कि जो पूरा स्फीयर का वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाइड नहीं है स्फीयर्स से, उसमें कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं, यानी कि कुछ खाली जगह है जो बच गई है, जो पूरी ऑक्यूपाइड नहीं हुई स्फीयर्स से। तो उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। क्या बोलते हैं हम, वॉइड्स, या हम एम्प्टी स्पेसेस भी बोल सकते हैं। तो वॉइड्स के बारे में ही डिस्कस करना है आज हमको, कि वॉइड्स कैसे बनती हैं, वॉइड्स कितने टाइप की होती हैं, और उनकी जो लोकेशन है वो क्या होती हैं, ठीक है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि हर जगह पे वॉइड्स प्रेजेंट हो। तो वॉइड्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वो भी हम सब कुछ पता करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं कि जो वॉइड्स हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो बेसिकली जो वॉइड्स हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। पहली जो है वो है हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो नेक्स्ट है वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो सबसे पहले करते हैं कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कैसे बनती है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनती है कि एक ही लेयर के जो तीन स्फीयर्स हैं वो आपस में अटैच होते हैं, यानी कि एक हमारे पास, जैसे ये तो मैंने, ये वाला जो स्फीयर है ना ये मैंने पीछे शो किया हुआ है जी, ये स्फीयर्स एक्चुअली ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे। अगर इसको आप अज्यूम करोगे ना, ये जो थर्ड स्फीयर है ये आपको ऐसे ही दिखेगा पीछे से, ठीक है। अगर तीनों स्फीयर्स ऐसे पड़े हैं इस वे में, तो ये वाला स्फीयर्स जो आपको पीछे ही दिखेगा, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल फिगर है। तो अब क्या होता है कि ये जो तीनों स्फीयर्स हैं, ये स्फीयर, ये स्फीयर और ये स्फीयर, ठीक है, इनके ऊपर एक और स्फीयर आके जुड़ जाता है, जो ऐसे होता है बेसिकली, यहाँ पे आके एक स्फीयर जो है वो जुड़ जाता है, वो अटैच हो जाता है यहाँ से। लेकिन फिर भी ये देखो, ये जो हमारे पास स्पेस बची है ना, ये वाली, यहाँ से देखो बहुत थोड़ी सी स्पेस बची है, लेकिन ये जो स्पेस है इसको हम बोलेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनी हमारे पास, ये तीन स्फीयर्स थे, ये हमारे पास तीन स्फीयर्स थे, हुआ क्या कि इनके बीच में ये जो जगह है ना, इसके ऊपर आके ये वाला स्फीयर जो है ये क्या हो गया, अटैच हो गया यहाँ पे, और वो जो खाली जगह हमारे पास बच गई उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये है हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में हमारे पास कितने स्फीयर्स हैं, हमारे पास फोर स्फीयर्स हैं ना, तो इसका मतलब इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वॉइड का वो कितना हुआ, फोर, क्योंकि जो वॉइड है वो अपने नेबर में कितने एटम्स के साथ है, फोर एटम्स के साथ। तो इसी वजह से जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो कितना हो गया, फोर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी फोर। ये थी हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है बेसिकली, तो यहाँ से समझाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, जैसे ये हमारे पास एक स्फीयर का एक फेस है, तो यहाँ पे भी एक स्फीयर है, 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 ठीक है। तो होना क्या है कि ये चार स्फीयर हैं, ठीक है, इसमें ये वाली वॉइड है, ये वाली वॉइड है ना एक, ठीक है। तो होता क्या है कि ऊपर से यहाँ से एक स्फीयर यहाँ अटैच हो जाता है, और एक पीछे से इसके बिल्कुल यहाँ पीछे से एक स्फीयर ऐसे अटैच हो जाता है। तो उस वाली वॉइड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है कि ऐसे चार स्फीयर्स हैं, एक ऊपर से लग गया, एक नीचे से लग गया, और बीच में जो जगह बची उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब करते हैं वैसे ही, तो वो जो था वो आपको सिर्फ समझाने के लिए था। तो हुआ क्या, यहाँ पे तीन स्फीयर्स ये रहे और तीन स्फीयर्स ये रहे, तो ये जब आपस में जुड़ेंगे
देखो ये तीन स्फीयर ऐसे हैं कि दो एक साथ पड़े हैं और एक इधर साइड में, लेकिन ये क्या है, एक ऐसे पड़े हैं लेकिन बाकी दो जो हैं वो साइड पे पड़े हैं, ठीक है। तो इस इन ये दोनों जब आपस में अटैच होंगे तो बीच में जो ये जो जगह बचेगी ये क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को आप किसी भी तरह ज्यूम कर सकते हो। होता होना क्या चाहिए कि ये जिसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसके साथ टोटल कितने जो एटम्स अटैच होंगे वो कितने होंगे, 6 एटम्स, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हमने ये क्या सीखा कि जो वॉइड्स हैं वो कैसे बनती हैं, ठीक है, वॉइड्स कैसे बनती हैं, कौन कौन सी वॉइड्स होती हैं। अब देखते हैं कि ये जो वॉइड्स हमने की ये कितनी होती हैं, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास एक क्यूबिक जो लैटिस है वो है और उसमें एन नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, एन नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो उसकी जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी वो कितनी होंगी, डबल होंगी, ठीक है। अगर हमारे पास वन नंबर ऑफ एटम है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, दो, अगर दो है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी 4, ठीक है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो उतनी ही होती हैं जितनी हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब करते हैं हम लोकेशन, यानी कि ये तो पढ़ लिया कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो कितनी वो क्या होती हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती हैं और उनका नंबर क्या होता है। लेकिन अब देखते हैं कि इनकी लोकेशन क्या होती है, यानी कि अगर क्यूबिक क्रिस्टल है उसमें स्फीयर्स हैं और जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो कहाँ कहाँ होंगी। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन। सबसे पहले तो हमने क्या लिया है, FCC, फेस सेंटर क्रिस्टल लैटिस, ओके, तो ये कंसिडर किया है। इसमें हम पता करेंगे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो कहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक क्यूब ड्रॉ किया है, उसमें मैंने ये वाली पोजीशन कंसीडर की है। इसमें किया क्या है कि ये वाला कॉर्नर का एटम कंसीडर किया है और ये वाला फेस है इस फेस के सेंटर का, ये वाला ये आगे वाले फेस के सेंटर का और ये वाला इस फेस का। तो दोबारा से रिकॉल करते हैं कि हमने कंसीडर क्या किया है लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स के केस में, जो कि हम FCC लैटिस के केस में कर रहे हैं। एक हमने क्या किया है, ये वाला कॉर्नर कंसीडर किया है, ठीक है, और एक इस फेस का सेंटर कंसीडर किया है और एक इस वाले फेस का सेंटर कंसीडर किया है और एक जो ये लास्ट वाला फेस है इसका सेंटर जो है वो हमने कंसीडर किया है। तो बेसिकली हमने तीन फेसेस लिए हैं जो आपस में अटैच हैं और उनका सेंटर कंसीडर किया है और बिल्कुल सामने वाला उनके कॉर्नर जो कंसीडर है वो किया है। तो ये जो तीन फेस सेंटर हैं ये आपस में एक ट्रायंगल बना ली। और हमने डिस्कस किया था इस वाले केस में कि उस ट्रायंगल के बिल्कुल ऊपर जो आके जो ऊपर आके स्फीयर अटैच होगा वो क्या होगा, उसकी जो एम्प्टी स्पेस होगी वो क्या होगी, वो होगी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड बेसिकली जो ये हमने डिस्कस की थी वो सिमिलर इसमें भी बन रही है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया और उसके ऊपर अब ये वाला जो स्फीयर है ये बिल्कुल ऊपर आके इन तीनों के ऊपर आके जो है वो अटैच हो जाएगा। अब जो एम्प्टी स्पेस बचेगी उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या थी इस केस में, बिल्कुल यहाँ पे होती थी ना, ये थी टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि इनके बीच में। तो इस केस में भी इनके बीच में होगी, यानी कि ये रही हमारी जो टेट्राहेड्रल वॉइड थी जहाँ पे हमने एरो लगाया है। तो यहाँ पे हमें एक बॉडी डायगोनल के अलोंग एक क्या मिल गई हमें, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस कॉर्नर पे है तो इसका मतलब इस कॉर्नर को जब हम कंसिडर करेंगे, यानी कि अगर ये वाला कॉर्नर कंसिडर करें, ये वाला फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर और फिर से ये वाला फेस सेंटर, इसके आगे जो वाला है ये जो ये वाला फेस है ना इसका फेस सेंटर कंसीडर करें तो ये भी एक ट्रायंगल बनाएगा यहाँ पे और ये जो है एक ऊपर आके जो है अटैच हो जाएगी। तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी हमको एक क्या मिल जाएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसी डायगोनल के अलोंग, यानी कि ये अगर बॉडी डायगोनल है इसके ही अलोंग हमारे पास दो जो है टेट्राहेड्रल वॉइड हमें मिल रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक जो बॉडी डायगनल है उसमें कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, दो। तो टोटल जो बॉडी डायगनल्स हैं वो कितने हैं हमारे पास, वो हैं चार,
ठीक है, चार कैसे हैं, एक जैसे ये एक फेस है तो यहाँ पे एक बॉडी डायगनल आ गया, एक बॉडी डायगनल यहाँ पे आ गया, ठीक है। सिमिलरली दूसरे केस में भी दो हैं, तो इसका मतलब टोटल जो बॉडी डायगनल्स हैं वो चार हो गए, और हर एक में दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी हमारे पास, एट। ओके, तो इस तरह से हमने क्या की, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन या कितनी है नंबर में, इसको निकालने का एक और मेथड भी है जो हमने किया था, कि हमें ये पता करना होता है कि क्यूबिक क्रिस्टल या कोई भी अगर क्रिस्टल है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड जो है उनसे डबल होंगी। तो इस केस में FCC में हमें पता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं फोर। फोर कैसे होते हैं, तो देखो एट, फोर कैसे होते हैं FCC में, क्योंकि FCC में एटम्स जो हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन क्या होगी, 8 × 1/8 प्लस, और जो फेसेस हैं वो कितने होते हैं, 6, और हमारे पास कंट्रीब्यूशन होती है 1/2। सो टोटल यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 4 हो गए FCC के केस में। तो हमने पढ़ा था कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड हैं वो 2 का मल्टीपल होती हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, अगर नंबर ऑफ एटम्स n हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, 2n। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, 8, ठीक है। तो इससे भी आंसर सेम ही आएगा, और अगर आप इस तरीके से करोगे तो भी जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो 8 ही आ रही हैं। तो अब करते हैं लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो देखो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जो लोकेशन थी ना, वो हमारे पास कहाँ पे थी, सिर्फ बॉडी डायगनल्स पे ही थी, लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती हैं वो कहाँ कहाँ पे बनती हैं, दो केसेस पे बनती हैं। एक तो एज सेंटर पे बनती है, यानी कि एज जो है उसके बिल्कुल सेंटर पे बनती है, और दूसरी कहाँ पे बनती है, जो हमने क्यूबिक क्रिस्टल कंसीडर किया है ना उसके बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देखो क्यूब का सेंटर तो एक ही होगा, वो दो तीन वो तो नहीं हो सकते ना, तो क्यूब का सेंटर एक है, तो इसका मतलब सेंटर के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। लेकिन एज सेंटर कितने हैं हमारे पास, वो 12 हैं, और हर एक की कंट्रीब्यूशन होती है 1/4 जो हमने पीछे की थी। तो इसका मतलब कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो हैं वो कितनी होगी, 3 + 1 = 4। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, पहले ये देख रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो एज सेंटर पे कैसे बन रही है, ठीक है। तो इसको जूम करेंगे तो देखो हमने क्या किया, इस जो फेस है इसका सेंटर ले लिया, इस वाले फेस का भी सेंटर ले लिया, और क्या किया यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है ये ले लिया कॉर्नर का। तो इसकी वजह से हमारे पास ये वाला एक ट्रायंगल बन गया। और दूसरा हमने क्या किया है, ये वाला जो एक देखो एक यूनिट सेल के ऊपर बहुत से यूनिट सेल अटैच होते हैं, तो ये एक दूसरा वाला क्यूब होगा, तो यहाँ पे हमने उस वाले फेस का सेंटर ले लिया, और ये वाला हमने कॉर्नर ले लिया, इसके साथ ये वाला जो क्यूब अटैच होगा तो उसका भी हमने एक फेस सेंटर ले लिया। और अब इन तीनों को क्या करेंगे, अब इन तीनों को हम ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे फिर से एक ट्रायंगल बन गई। तो देखो ट्रायंगल्स भी हमें कैसे चाहिए, जो बिल्कुल ऑपोजिट फेस में हो एक दूसरे के, यानी कि अगर एक इस सीधी ट्रायंगल है तो दूसरी क्या हो, उल्टी, सेम फेस में नहीं हो, मतलब दोनों ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए ट्रायंगल्स। तो ये क्या हमारे पास उल्टी ट्रायंगल्स हैं, और यहाँ के इसके इनके बिल्कुल बीच में जो है क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें मिल गई है, कहाँ पे मिली है हमें, एच के सेंटर में, ठीक है। तो इसको भी रब कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन गया था और यहाँ पे भी ट्रायंगल बन गया, और ये वाली जो है हमारे पास ये जो वॉइड है ये कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसका मतलब हर एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो प्रेजेंट है, और दूसरी कौन सी जगह है, वो है सेंटर ऑफ द क्यूब, यानी कि क्यूब के सेंटर में भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो प्रेजेंट है। तो अब हमारे पास टोटल कितनी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगी वो देखते हैं। तो वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट सेंटर ऑफ द एज एंड अदर एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो ऑक्टाहेड्रल एज सेंटर कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं, एजेस 12 होते हैं, तो उसके सेंटर भी तो 12 ही हुए,
उसकी एक की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/4, और सेंटर में तो एक ही है, सेंटर की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि बॉडी सेंटर में होता है ना, तो उसकी कंट्रीब्यूशन 1 होती है, तो 1 और 3 + 1 = 4। तो इसका मतलब कि किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में जो FCC है उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो कितनी होगी, 4। FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, 4 थे, तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं, जितनी की नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितनी होगी, 4। तो इसका मतलब अब हमने कर लिया लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कैसे बनती हैं दोनों जो वॉइड्स होती हैं। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं इनके रेडियस रेशो के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।